Hello students, today we are going to study the topic 8253 programmable interval timers from chapter 8 of microprocessor and peripheral devices. So let's start the topic with introduction. 8253 is a programmable interval timer designed for microprocessor to perform timing and counting functions. 8253 एक programmable interval timers होती हैं जो timing and counting functions perform करने के लिए use किए जाते हैं. प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर्स एक तरह से काउंटर्स होते हैं और इनका मेन पर्पस होता है माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट करने के लिए सिग्नल को जनरेट करना. इसके लिए सबसे पहले काउंटर को ऑपरेट करने के लिए काउंट वैल्यू होती है वो रजिस्टर में लोड की जाती है. फिर काउंटर पे क्लॉक पल्स अप्लाई की जाती है. जैसे ही काउंटर पे क्लॉक पल्स अप्लाई की जाती है काउंटर है वो डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है. काउंटर इसीलिए डिक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो काउंटर यूज़ हो रहे हैं इस टाइमर में वो डाउन काउंटर्स होते हैं. तो जैसे ही उस पर क्लॉक पल्स अप्लाई होती है काउंटर डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है और वो अपने काउंट हर क्लॉक पल्स के साथ वो अपनी काउंट वैल्यू को डिक्रीमेंट करता रहता है और वो जब तक डिक्रीमेंट होता रहेगा जब तक कि काउंट वैल्यू ज़ीरो तक ना पहुँच जाए. जैसे ही काउंट वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है तो काउंटर एक पल्स जनरेट करता है जो माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट करने के लिए यूज़ की जाती है. 8253 टाइमर है 24 पिन DIP पैकेज में अवेलेबल है. इट हैज़ 3 इंडिपेंडेंट 16 बिट डाउन काउंटर्स. इस टाइमर के 3 काउंटर्स होते हैं इसके काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2. तीनों ही काउंटर 16 बिट के होते हैं डाउन काउंटर्स होते हैं. हर काउंटर के 3 सिग्नल्स होते हैं 2 इनपुट सिग्नल एंड 1 आउटपुट सिग्नल. 2 इनपुट सिग्नल्स होते हैं उनमें एक सिग्नल होता है क्लॉक इनपुट के लिए दूसरा सिग्नल होता है गेट इनपुट के लिए और थर्ड सिग्नल आउटपुट सिग्नल होगा आउट के लिए. 8253 टाइमर होते हैं इसमें 6 मोड होते हैं मोड 0 टू मोड 5. दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ 8253. जैसे कि फिगर में दिख रहा है 8253 है ये इसके आर्किटेक्चर में डेटा बस बफर है रीड राइट लॉजिक है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है और ये 3 काउंटर्स यूज़ हो रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है डेटा बस बफर एक ट्राई स्टेट बाई डायरेक्शनल 8-bit बफर है. 8-bit बफर मीन्स इट हैज़ 8 इनपुट पिंस मीन्स इसकी 8 इनपुट पिंस हैं D0 to D7 वेर D0 इज LSB बिट एंड D7 इज MSB बिट. डेटा बस बफर्स होते हैं इनका जो मेन पर्पस है वो है 8253 और सिस्टम डेटा बस को इंटरफेस करना मीन्स 8253 और सिस्टम डेटा बसेस होते हैं इनके बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करना मीन्स डेटा बस बफर होते हैं वो माइक्रोप्रोसेसर और इंटरनल रजिस्टर के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. डेटा बस बफर होते हैं इसके बेसिकली 3 मेन फंक्शंस होते हैं. तो प्रोग्रामिंग द मोड्स ऑफ 8253 के मोड्स को प्रोग्राम करना लोडिंग द काउंट रजिस्टर को लोड करना और उसमें काउंट वैल्यूज़ को रीड करना रीड राइट लॉजिक. रीड जैसे कि आप देख रहे हैं रीड राइट लॉजिक है इसमें 5 सिग्नल्स हैं 5 सिग्नल्स हैं यहाँ पे एक्टिव लो रीड सिग्नल एक्टिव लो राइट सिग्नल और एक्टिव लो CS सिग्नल. CS सिग्नल इज़ अ चिप सेलेक्ट सिग्नल एंड A नोड और A1 एड्रेस लाइंस होती हैं जो माइक्रोप्रोसेसर की एड्रेस A नोड और A1 एड्रेस लाइन से कनेक्टेड होती हैं. एक्टिव लो रीड और राइट सिग्नल रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं और एक्टिव लो CS सिग्नल होता है चिप को सिलेक्ट करने के लिए. ये सिग्नल लो हैं तो इन इट मीन्स कि ये सिग्नल तभी वर्क करेंगे जब इन पे लॉजिक ज़ीरो होगा मीन्स जब यहाँ पे लो सिग्नल होगा तभी ये सिग्नल वर्क करेंगे. CS सिग्नल है इसको इस पे जब लॉजिक ज़ीरो होगा मीन्स ये सिग्नल लो होगा यहाँ पे वैल्यू लो होगी तभी ये डिवाइस 8253 है ये सेलेक्ट होगी एनेबल होगी वर्क करेगी. अगर CS सिग्नल 1 होगा तो जो 8253 है डिवाइस ये चिप है ये सेलेक्ट नहीं होगी ये वर्किंग में नहीं होगी. तो इस पूरे डिवाइस 8253 जो टाइमर है इसकी वर्किंग के लिए ज़रूरी है कि जो ये एक्टिव लो CS चिप है इसका लो होना ज़रूरी है.
ऑपरेशन मोड ऑफ द PID इज चेंज्ड बाय सेटिंग दिस अबव हार्डवेयर सिग्नल्स। इस टाइमर के जो ऑपरेशन मोड्स हैं उनको चेंज किया जा सकते हैं। ये जो सिग्नल्स हैं, एक्टिव लो, रीड सिग्नल, एक्टिव लो, राइट सिग्नल, एक्टिव लो, CS सिग्नल और A नोड और A1, इनके सेटिंग्स को चेंज करके टाइमर्स के ऑपरेशन मोड्स को चेंजेस किए जा सकते हैं। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। द कंट्रोल वर्ड रजिस्टर कंटेन्ड द प्रोग्राम्ड इन्फॉर्मेशन विच विल बी सेंड टू द डिवाइसेस। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर होता है, उसने एक प्रोग्राम्ड इन्फॉर्मेशन कंटेन की होती है जो आगे फर्दर पेरिफेरल डिवाइसेस को सेंड की जाती है। एक प्रोग्राम्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में कंट्रोल वर्ड राइट किया हुआ है और ये कंट्रोल वर्ड होता है ये माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में राइट किया जाता है। और जब ये कंट्रोल वर्ड कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में राइट कर दिया जाता है, उसके बाद फिर ये काउंटर्स को स्पेसिफाई करते हैं कि भाई कौन सा काउंटर, ये स्पेसिफाई करते हैं कौन सा काउंटर यूज़ होगा, किस कौन सा काउंटर किस मोड में वर्क करेगा और वहाँ पे उसमें कौन सा रीड या राइट कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है उसको एक्सेस करने के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए रीड राइट लॉजिक पे जो ए नोड और ए वन एड्रेस लाइन्स हैं उन पे लॉजिक 1 होना मस्ट है। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर होता है ये 8 बिट का होता है, डी नोड टू डी 7। नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम का, नेक्स्ट ब्लॉक है काउंटर्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इस टाइमर में 3 काउंटर्स होते हैं, काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2। हर एक काउंटर होता है वो 16 बिट का होता है, डाउन काउंटर्स होते हैं, 6 ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं 8 to 5 3 के। तो हर काउंटर होता है वो इन 6 में से किसी भी एक मोड में ऑपरेट प्रोग्राम्ड हो सकता है। एक बार जब ये किसी भी एक मोड के लिए प्रोग्राम हो जाता है तो वो एक उसी मोड के अकॉर्डिंगली वर्क करना, ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो काउंटर्स को सेटअप करने के लिए, उनको इनिशियलाइज करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सबसे पहले रजिस्टर में कंट्रोल वर्ड राइट करता है। कंट्रोल वर्ड राइट करने के लिए, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि कंट्रोल वर्ड को राइट करने के लिए रीड राइट लॉजिक ब्लॉक होता है, उसकी ए नोड और ए वन एड्रेस लाइन्स को सेट किया जाता है। और उसके बाद जब कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में राइट हो जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर इस कंट्रोल वर्ड को डेटा बस बफर ब्लॉक को सेंड कर देता है। द कंट्रोल वर्ड रजिस्टर एंड काउंटर आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सिग्नल्स ऑन ए नोड एंड ए वन। अब ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर और काउंटर्स होते हैं वो ए नोड और ए वन लाइन्स पे जो सिग्नल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग सेलेक्ट होते हैं। जैसे अगर ए नोड ए वन दोनों पे ही लॉजिक 0 है तो काउंटर 0 सेलेक्ट होगा। अगर ए नोड 1 है, ए वन 0 है तो काउंटर 1 सेलेक्ट होगा। अगर ए नोड 0 है, ए वन 1 है तो काउंटर 2 सेलेक्ट होगा। अगर दोनों ही लाइंस पे लॉजिक 1 है तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप पे ए नोड अगर x है और ए वन x है, x मीन्स डोंट केयर, मैटर नहीं करता कोई भी बिट हो, यहाँ पे 1 और 0 कोई भी बिट होती है तो नो सिलेक्शन, तो कोई भी इन चारों में से कोई भी काउंटर या कंट्रोल वर्ड रजिस्टर सेलेक्ट नहीं होगा। ये रीड राइट कंट्रोल लॉजिक के दिया हुआ है कि भी काउंटर के इनिशियलाइज होने के बाद कि कौन सा काउंटर सेलेक्ट होगा, उसके इनिशियलाइज होने के बाद वो किस काउंटर में कौन सा कैसे रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है 8 to 5 3 टाइमर के वर्किंग के लिए, इस 8 to 5 3 चिप के वर्किंग के लिए, इसके अनेबल होने के लिए एक्टिव लो CS सिग्नल है वो 0 होना चाहिए। अगर ये सिग्नल CS सिग्नल 0 होगा तो ही डिवाइस वर्क करेगा, अगर ये सिग्नल 1 हुआ तो ये डिवाइस वर्क नहीं करेगा। तो हमारे पास रीड राइट लॉजिक ब्लॉक है, इसके 4 सिग्नल दिए हुए हैं, ए नोड ए वन एक्टिव लो रीड और राइट, ठीक है। तो और यहाँ पे जो 5th सिग्नल होगा CS, वो इन सभी स्टेप्स के लिए वो सिग्नल 0 रहेगा तो ही डिवाइस चिप सेलेक्ट होगी और उस पर फर्दर जो भी फंक्शन है वो इस पर परफॉर्म होंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, अगर दोनों ही पे ही लॉजिक 0 0 है लाइंस पे तो काउंटर 0 सेलेक्ट होगा।
तो वही है, ए नोड है, ए वन है, एक्टिव लो रीड और राइट सिग्नल्स हैं। तो अगर दोनों ही लाइंस पे 0-0 है तो ये काउंटर 0 सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक्टिव लो रीड सिग्नल है ये 0 है, इट मीन्स रेड सिग्नल है वो तभी वर्क कर रहा है जब उसको 0 सिग्नल मिल रहा है, लो सिग्नल मिल रहा है, इसकी पे ये लॉजिक 0 है। तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, राइट कर रहा है काउंटर 0 में, मीन्स लोड कर रहा है काउंटर 0 को। यहाँ पे रीड सिग्नल 1 है तो यहाँ रीड सिग्नल ये वर्क नहीं कर रहा, ये तभी वर्क करेगा जब ये सिग्नल होगा, जैसे कि हम काउंटर 0 के स्टेप 2 में देखेंगे। यहाँ पे दोनों ही लाइंस पे लॉजिक 0 है, राइट सिग्नल 1 है, इट मीन्स ये वर्क नहीं करेगा, रीड सिग्नल 0 है तो इट मीन्स यहाँ पे रीडिंग परफॉर्म होगी। तो ये कह रहे हैं कि काउंटर 0 को कि यहाँ पे रीड करेगा काउंटर 0 को। इसी तरह से काउंटर 1 के लिए 0-1 है तो काउंटर 1 सेलेक्ट होगा, राइट सिग्नल है वो लो है तो इट मीन्स राइटिंग परफॉर्म हो रही है, ये क्या कर रहा है, लोड कर रहा है काउंटर 1 को। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे राइटिंग सिग्नल है वो 1 है, हाई है, इट मीन्स ये वर्क नहीं कर रहा, रीड सिग्नल है ये लो है तो इट मीन्स ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है काउंटर 1 में। इसी तरह से काउंटर 2 के लिए है। अब ये लास्ट ए नोड और ए वन, अगर दोनों पे लॉजिक 1 है तो इट मीन्स ये कंट्रोल रजिस्टर को सेलेक्ट करेंगे, राइट सिग्नल यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब राइटिंग परफॉर्म होगी, कंट्रोल रजिस्टर में कंट्रोल वर्ड को ये राइट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में है 1-1 सेलेक्ट हुआ है, इट मीन्स कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को, कंट्रोल रजिस्टर को सिलेक्ट किया है, इसमें रीड ऑपरेशन है वो लो है, बट ये यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में कंट्रोल वर्ड को राइट किया जा सकता है, यहाँ पे रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे 8-5-3 के पिन डायग्राम और कंट्रोल वर्ड के बारे में।